हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब से बनने वाली मेडिसिन जिंको बिलोबा के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिंको बिलोबा एक पत्तियों से बनाई हुई जाने वाली मेडिसिन है और इसका जो ट्री होता है काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज का होता है। ये मोस्टली जो नेटिव है इसका चाइना है और जापान और कोरिया में भी ये पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसका रिसर्च बहुत ज़्यादा हुआ हो, मतलब हर्ब एक ऐसा है जिसपे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है और उसके बाद इसमें जो भी इसके गुण हैं, जो भी साइन एंड सिम्टम्स पे ये मेडिसिन दी जाती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी की गई है। तो ये मेडिसिन पहले तो सिर्फ चाइना, जापान और कोरिया में ही उगाई जाती थी, बट जब देखा गया कि बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं तब अब इसको कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है और कमर्शियली इसको कल्टिवेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हर जगह पे पैदा होती होने लगी है, अब स्पेशली जो कूल एरियाज होते हैं वहाँ पे पैदा होती है। जिंको बिलोबा पत्तियों से बनाई जाने वाली मेडिसिन है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो फ्लैट फैन शेप की पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इसकी पत्तियाँ होती हैं। लेकिन इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो एडिबल नहीं होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल आती है, बहुत फाउल स्मेल आती है, स्टिंकी स्मेल आती है। तो इसीलिए इस प्लांट को रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, अर्बन एरियाज़ में अवॉइड करते हैं क्योंकि इसकी जो महक है, इसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं होती है। जापान और कोरिया में इसके सीड्स को भी खाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। तो ये सारे डिटेल्स हैं आपको जिंको बिलोबा ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन होती है, बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि ये जो जिंको बिलोबा होती है आपको जवान रखती है, आपको ढलती उम्र में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। तो आज हम स्टडी करेंगे कि क्या रीज़न होता है ऐसा, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जिंको बिलोबा लेना चाहिए या कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आपको इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या डोजेस होने चाहिए और इसका क्या ड्यूरेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं जिंको बिलोबा के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या रीज़न है कि ये आपको हमेशा जवान रखती है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिंको बिलोबा मेडिसिन होती है, इसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके सर्कुलेशन, आपके न्यूरो सिस्टम के लिए। तो अगर आपको कोई भी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है या न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उन केसेस में जिंको बिलोबा लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर्कुलेशन में क्या क्या ये इफेक्ट्स डालती है। सर्कुलेशन का मतलब होता है आपके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड की सप्लाई कैसी है। तो ढलती उम्र में धीरे धीरे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वो हमारे स्किन से सिकुड़ने लगती हैं और हमारे स्किन पे उतना ज़्यादा इसका सर्कुलेशन नहीं रहता है, इसीलिए हमारी जो स्किन होती है वो पतली होने लगती है। और यही फर्स्ट साइन होता है एजिंग का कि हमारी स्किन पतली होने लगती है, हमारे स्किन पे झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो ये जो साइन होता है इसको ख़त्म करते हैं जिंको बिलोबा। तो फ्रेंड्स, जिंको बिलोबा इस सुपर मेडिसिन अगर आपको सर्कुलेशन की कोई भी प्रॉब्लम है। एक बहुत ही और अच्छा इसका इंडिकेशन होता है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मतलब जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो ये जिंको बिलोबा अगर आप लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, इसको कंज्यूम करते हैं, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको मेल्ट करके ये बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट करा देती है और ये प्लाक नहीं बन पाता है। प्लाक मतलब जो आपकी खून की नलियों में जमा हो जाएगा और खून के जो दौरा होता है, जो सर्कुलेशन होता है, उसको जो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा उसको नहीं होने देता है। इसके कारण आपको हाइपरटेंशन से बचाता है, आपको स्ट्रोक से बचाता है और आपको बहुत सारी ऐसी कंडीशन, इम्बोलिज्म अगर हो जाएगा तो एक इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, उससे आपको बचाता है। मतलब अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आपको इस मेडिसिन को ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये सर्कुलेशन हेड का अच्छा करता है, क्योंकि हेड का सर्कुलेशन अच्छा करता है, हर जगह का सर्कुलेशन अच्छा करता है, तो अगर ये हेड पे जाता है तो हेड का सर्कुलेशन अच्छा करता है, हेड की जो वेस्कुलर मसल्स हैं, जो वेस्कुलर सिस्टम है उसको अच्छा करता है, तो आपकी मेमोरी अच्छी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो भी हो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ साथ ये हमारी ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी करती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो साथ के साथ ऑक्सीजन हमारे हेड में, हमारे ब्रेन में अच्छी क्वांटिटी में जाएगा, तो हमारा जो अलर्टनेस होता है, मेंटल अलर्टनेस जो होता है वो अच्छा होता है। रिएक्शन टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिएक्शन देने में टाइम ले लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिनका रिएक्शन टाइम ज़्यादा है उनके लिए।
तो रिएक्शन टाइम का मतलब हुआ कोई भी घटना हो रही है, कोई भी चीज़ आप डिसाइड करने में टाइम लगा देते हैं, मे बी कोई व्हीकल सामने से आ रहा है, आपने डिसाइड नहीं कर पाए और एक्सीडेंट हो गया कि आपको किधर जाना है, रिएक्ट नहीं कर पाए आप, कोई भी बात कर रहे हैं उस टाइम पे आप सही से रिएक्ट नहीं कर पाए, बाद में आपने सोचा कि यस मुझे ये सही रिएक्ट करना चाहिए था या मुझे ऐसा करना चाहिए था। सो रिएक्शन टाइम इसको रिड्यूस करता है, आप जल्दी से कोई डिसीजन ले पाते हैं, अलर्ट माइंड आपका इतना हो जाता है। तो ये भी आपका होता है क्योंकि जिंको बिलोबा आपके सर्कुलेशन को अच्छा कर रही है। और बात करते हैं सर्कुलेशन की, तो जिन लोगों को रेनॉल्ड्स सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ये स्पेशली ये पार्ट्स जो होते हैं इसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, डिजिटल वेस्कुलर सप्लाई जो होती है अगर कम हो जाती है, तो उन केसेस में भी जिंको बिलोबा बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको लगता है कि मेरी ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं हो रही है, या हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, आप सो के उठते हैं आपको चक्कर सा फील होता है, डिजीनेस सा फील होता है, लो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उन सब केसेस में इसका मतलब हुआ कि आपको खून की जो सप्लाई है, जो ब्लड की सप्लाई है, वो लो है। तो ब्लड की सप्लाई को इन्हेंस करने के लिए आपको लेना चाहिए जिंको बिलोबा। इसके अलावा आपको अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पैरों में, पैरों में ब्लड आकर रुक जा रहा है, वैस्कुलर जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, उस केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड, जिंको बिलोबा टेनिटिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। कान के अंदर अगर अजीब अजीब से आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि एजिंग के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है और नॉर्मली किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर टेनिटिस की प्रॉब्लम हो रही है, वर्टाइगो, मैंने पहले भी बताया कि हाइपोटेंशन से रिलेटेड वर्टाइगो भी हो सकता है, या आपको नॉर्मली भी वर्टाइगो हो रहा है, मतलब चक्कर आने की परेशानी अगर हो रही है, तभी भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। जिंको बिलोबा एक हर्बल सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बहुत ज़्यादा इसको डेली रिक्वायरमेंट में लोग लेते हैं, डेली यूज़ इसको करते हैं, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। बट इसको अगर हम होम्योपैथिकली यूज़ करते हैं तभी भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसको दूसरे सिस्टम की अगर बात करें कि न्यूरोलॉजिकल में आपको क्या क्या फ़ायदा करती है, तो न्यूरोलॉजिकल में आपका ब्रेन का अलर्टनेस अच्छा होता है। अल्जाइमर्स एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई परेशानी है, जो बुज़ुर्गों को हो जाती है, ओल्ड एज में हो जाती है, जिसमें डिमेंशिया होने लगता है, मतलब याददाश्त बिल्कुल ख़राब होने लगती है, उसको रोकने की भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर जिनको अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम हो गई है उसको ये ठीक भी करती है, तो अल्जाइमर्स के केसेस में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मेमोरी में मैंने बताया कि बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, जिंको बिलोबा ट्री और जिंको बिलोबा के जो पेशेंट्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी देखी जाती है, मतलब जिस तरह से ये ट्री रहा है उसी तरह के सिम्टम्स इसके पेशेंट्स में भी आते हैं। तो बिल्कुल हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे सिम्टम्स ट्री के हैं और कैसे कैसे सिम्टम्स अगर आपके अंदर हैं तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छा सूट कर सकती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो मेडिसिन होती है ये बहुत ज़्यादा टाइम से एक कहा जाता है कि एक लिविंग फॉसिल की तरह है, मतलब कितनी भी चीज़ें बदलती गई दुनिया में, हर चीज़ चेंज होती गई, कोई आया कोई गया, बट ये प्लांट एज सच रहा, अपनी एग्जिस्टेंस इसने नहीं खोई है। तो इस प्लांट को एक होप की तरह देखा जाता है, लॉन्गेविटी की तरह देखा जाता है, रिजिलियंस की तरह देखा जाता है। इसी तरह से ये मेडिसिन जो लोगों को सूट करती है या जो लोग इस मेडिसिन को लेते हैं उनकी, वो अगर इस मेडिसिन को रेगुलर लेते हैं तो अपनी एज से अराउंड 20-30 साल पहले तक की वो जैसे एनर्जी उनके अंदर थी वैसी एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये मेडिसिन चाइना में स्पेशली टेम्पल्स और गार्डन्स में प्लांट किया जाता था, स्पेशली जो चाइनीज मॉन्क होते हैं यानी चाइनीज साधु जो होते हैं इस मेडिसिन को पूजा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिवाइन प्लांट माना जाता है। इसी तरह से ये जो मेडिसिन होती है उन लोगों को सूट करती है जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, वो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा उस घर में डिवाइन माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको जिनको मान सम्मान दिया जाता है, तो उन लोगों को ये मेडिसिन बहुत अच्छा सूट करती है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन होती है स्पेशली चाइना में क्या किया जाता है कि इस मेडिसिन के जो प्लांट होता है उसके अराउंड, उसके बार के अराउंड कुछ बांध करके धागा टाइप का या स्ट्रॉ वगैरह बांध करके उसको डिवाइन बना के रखा जाता है, मतलब इविल जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बुरी नज़र की चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करने के लिए उसको बांध के रखा जाता है। इसी तरह से ये मेडिसिन उनको बहुत अच्छा सूट करती है जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली के हैं, उनके प्रिंसिपल्स बहुत फिक्स हैं, मतलब वो उनकी जो सोच है या उनके जो विचारधारा यू कैन से, तो जो उनकी वो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा फिक्स है, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली के हो सकते हैं, और वो लोग भी अपने हाथों के अराउंड या अपने गले के अराउंड कुछ ऐसा
वर्शिप करने की वाली चीज बांध के रखते हैं जो उनको बुरी नजर से बचा के रखती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन होता है जिनको बिलोवा और ये मेडिसिन जिनको ये मेडिसिन सूट करती है। फ्रेंड्स ये जो प्लांट होता है इसके जो लीव्स होती हैं जिनको बिलोवा की जो लीव्स होती हैं फैन शेप की होती हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह से ये प्लांट जो होता है, इसी तरह से जो मेडिसिन होती है उन लोगों को बहुत अच्छा सूट करती है जिनको जिनका ओल्ड एज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं और अपनी चीज़ें वो खुद टैकल करते हैं, दे डोंट डिपेंड ऑन एनीवन फॉर एनीथिंग। तो ये मेडिसिन उनके लिए बहुत अच्छा सूटेबल है। चाइना में एक ट्रेडिशन है फ्रेंड्स कि जो ग्रैंडफादर होते हैं वो प्लांट करते हैं बच्चों के लिए ट्रीज। तो इसी तरह से ये जो प्लांट होता है, ये मेडिसिन इस प्लांट से बनी हुई जो मेडिसिन होती है उन लोगों को बहुत अच्छा सूट करती है जिन लोगों के घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के टेक केयर करते हैं, या जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी टेक केयर उनके ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं। क्योंकि अगर आप इस मेडिसिन को रेगुलर लेते हैं तो आपकी एज कम से कम इतनी ज्यादा तो होगी ही कि ग्रैंड चिल्ड्रन चिल्ड्रन होंगे, तो ये लॉन्गेविटी को बढ़ाती है, मतलब आपकी एज को बढ़ाती है, क्योंकि ये सारी जितनी भी परेशानियां एज के साथ आने वाली हैं उनको खत्म करती है। तो आप ग्रैंड चिल्ड्रन को आपको केयर मिलने वाली है। फ्रेंड्स इसकी एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि ये जो जिंको बिलोबा का जो फीमेल वाला प्लांट होता है इसको रूरल एरियाज में प्लांट किया जाता है, क्योंकि जब इसमें फ्रूट्स आते हैं तो बहुत ज्यादा वो स्मेली होते हैं, बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आती है। इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है फीमेल्स के केसेस में या मेल्स के केसेस में जिनके अंदर भी कॉन्टिनेंस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो रही है। अगर ओल्ड एज में इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन लीकेज हो जा रही है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, छींकने खांसी करने या हंसने के कारण लीकेज हो जा रही है, तो उनके कारण अगर यूरिन की लीकेज होती है तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा सूट करती है। दिस कैन बी गिवन इन केसेस ऑफ इनकॉन्टिनेंस, चाहे मेल्स की प्रॉब्लम हो रही हो चाहे फीमेल्स की प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस है कि ये रिजेम्बलेंस होता है ट्री से इसका इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन से। फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन होती है, ये जो प्लांट होता है जिंको बिलोबा का, ये प्लांट जब हिरोशिमा नागासाकी का जो एटॉम बम का जो अटैक हुआ था उसमें भी ये पूरी तरह से जल गया था, सब चीजें बिल्कुल डिस्ट्रक्शन में चली गई थी, बट ये जो प्लांट होता है पूरी तरह से जलने के बावजूद भी इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि ये वापस फुली ग्रो हुआ, बहुत हेल्दी प्लांट में ग्रो हुआ और आज पूरी दुनिया में भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट्स ऑल बिकॉज कि इसके अंदर एडवर्स कंडीशन में भी रहने की क्षमता है। इसी तरह से यह जो मेडिसिन होती है अगर आप रेगुलर लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है लॉन्गेविटी बढ़ाने में, आपको एजिंग के सारे सिम्टम्स रिलीव करने में। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बॉडी में बढ़ाता है। तो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको और आप हर किसी कंडीशन में विदस्टैंड कर सकते हैं, आपको छोटी मोटी कोई भी बीमारियां नहीं लगती हैं अगर आप इस मेडिसिन को रेगुलर लेते हैं। तो ये सिर्फ रिजेम्बलेंस होता है, मतलब रिजेम्बलेंस वाइज हमने आज स्टडी की। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जिंको बिलोबा का जो ट्री होता है वो अराउंड 40-50 ईयर्स में फुली मैच्योर होता है, मतलब 40-50 ईयर्स लग जाते हैं उसमें फ्रूट्स आने में। तो इसी तरह से ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सूट करती है जिन लोगों की लेट में शादी होती है या लेट में जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, जिन लोगों को लेट में मैरिज होती है, अगर उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बिल्कुल कम है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है या बहुत ज़्यादा ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, उन केसेस में इस मेडिसिन को अगर रेगुलर टाइम पे आप लेते हैं जैसे इंडिकेटेड होती है वैसे लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। तो मेल्स के केसेस में ओलिगोस्पर्मिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो सेक्सुअल डिजायर अगर है तो ये मेडिसिन ली जा सकती है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी हमने जो मेडिसिन पढ़ी, हमने जिंको बिलोबा के बारे में पढ़ा और वो कौन कौन सी इंडिकेशन है जिसमें इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने पूरी वीडियो सही से देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें इस मेडिसिन को नहीं लिया जा सकता है। फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लीव से बनाई जाती है, तो इसीलिए ये मेडिसिन आपके फेस को आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल करती है, क्योंकि ये स्किन की सप्लाई को बना के रखती है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो अच्छी रहती है, इसलिए आपके फेस पर रिंकल्स पिगमेंटेशन ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। एक रिसेंट स्टडी में पता चला है कि जिंको बिलोबा को पिगमेंटेशन लॉस की जो भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो विटिलिगो की प्रॉब्लम हो रही है या ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी इस मेडिसिन को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी इंडिकेशंस हैं जिंको बिलोबा की। अब हम बात करते हैं जिंको बिलोबा के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी मेडिसिन को रेगुलर ले रहे हैं, लगातार लिए जा रहे हैं, बिना किसी रिक्वायरमेंट के भी लिए जा रहे हैं, तब इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जिंको बिलोबा को आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तभी इसको यूज़ करना है। अगर आपके सिम्टम्स में रिलीव हो जाता है तब आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लेने का तरीका ऐसा है कि आप इस मेडिसिन की 100 ml की बॉटल ले लें मदर टिंचर फॉर्म में, और मदर टिंचर की 10 बूंदें मिला के थोड़े से गुनगुने पानी में सुबह वाली डोज आपको ध्यान से सुनना है। सुबह वाली डोज आपको खाली पेट लेना है, दोपहर में लेना है, और शाम को लेना है 10-10 ड्रॉप्स। जो लोग वर्किंग है, जिन लोगों को 3 टाइम्स लेना पॉसिबल नहीं है, वो इस मेडिसिन को 15 ड्रॉप्स 2 टाइम्स ले सकते हैं। बट ध्यान इस बात का रखना है कि फर्स्ट डोज जो होती है वो हमेशा खाली पेट लेनी है और सुबह लेनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मेडिसिन को आपको कम से कम 2-3 महीने तक रेगुलर लेना है। तो आपको इस मेडिसिन को लेने से क्या क्या फ़र्क पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा ये मेडिसिन से मुझे फ़र्क पता चल रहा है? तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करेंगे। दिन भर की जो थकान होती है, पहले आप शाम होते होते बिल्कुल डल हो जाते थे, इसमें एनर्जी आपकी पूरी बनी रहती है और बहुत ज़्यादा आप हाई इन एनर्जी, मेंटल अलर्टनेस बहुत ज़्यादा रहने वाली, फिजिकली आप बहुत ज़्यादा फिट फील करने वाले हैं। ये इन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो भी इस मेडिसिन को आप रेगुलर ले सकते हैं और आप देखेंगे कि इसके साथ जो आपकी दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने भी बताई, उसमें भी आपको फ़र्क पता चलता है। तो जिंको बिलोबा को सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आपको जवान बनाए रखने के लिए मेडिसिन होती है, ये ओवरऑल आपकी बॉडी के सर्कुलेशन को बना के रखने वाली मेडिसिन है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर आप इसको सही तरीके से लेते हैं। तो इस मेडिसिन को आपको 10-10 ड्रॉप्स 3 मंथ्स के लिए लगातार लेनी है, और आप जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसके रिजल्ट हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जिंको बिलोबा के बारे में। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक पे आपसे शेयर किया आपको अच्छी लगी होगी और आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हो, कोई भी सजेशंस देना चाहते हो, या कोई क्वेरीज आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं वहाँ पे साथ के साथ इसका रिप्लाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।